आदाब नाज़रीन मोहतरम, सूफ़ी स्कोर के एक बहुत ही मुनफरिद प्रोग्राम के साथ मैं सोनिया हुसैन और मेरे साथ मियाँ यूसुफ़ सलाउद्दीन आपके सामने हाजिर हैं। ये प्रोग्राम सूफ़ी स्कोर और वर्सा हेरिटेज के कोलैबोरेशन से पेश किया जा रहा है और इस मुनफरिद सी सुरो भरी शाम का उन्वान है शाम गज़ल। गज़ल की बात की जाए तो ये कहना मुनासिब होगा कि गज़ल इब्तिदा से ही बरे सगीर की सकाफत का एक बहुत ही अहम और ख़ूबसूरत हिस्सा रहा है। वली दखनी, जो उर्दू गज़ल के पहले शायर माने जाते हैं, उनसे लेकर मीर तकी मीर, मुसफ़ी, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब, ज़ौक, सौदा, रुस्वा, दाग, मोमिन, इकबाल, कैफ़ी आज़मी, फैज़ अहमद फैज़, फ़राज़, सभी ने अपने अपने दौर में अपनी शायरी के ज़रिए गज़ल को एक नया रूप, नया रंग दिया है और ये दौरे हाजिर में भी उतनी ही मकबूल है। ये कहना बहुत ही मुनासिब होगा कि गज़ल अपना आप मनवाने के लिए एक ख़ूबसूरत आवाज़ मांगती है और वो ख़ूबसूरत आवाज़ आज हम सब के बीच में मौजूद है। मैं चाहूँगी कि यूसुफ़ सलाउद्दीन साहब उनके बारे में कुछ कहें। जी शुक्रिया सोनिया, हमारी आज की जो ये गज़ल की महफिल है इसमें 7 गज़लें हैं और 1 गीत है जो हमारे जो आज के सिंगर हैं ज़ीशान अली, एक नौजवान सिंगर हैं और बहुत ही ख़ूबसूरत गाते हैं। उन्होंने अपना स्कूल के ज़माने से ही इन मुख्तलिफ जो स्कूल कॉलेजेस के प्रोग्राम होते हैं उनमें इन्होंने गाया। इन्होंने सबसे पहले इन्होंने अपने जो जिस कॉलेज में ये पढ़ते थे इन्होंने वहाँ बैचलर्स किया सोशियोलॉजी में और मैथ्स कम्युनिकेशन में। उसके बाद ये पंजाब यूनिवर्सिटी में गए और वहाँ इन्होंने म्यूज़िकॉलोजी में इन्होंने मास्टर्स किया। तो ज़ाहरी बात है म्यूज़िक का शौक़ था तो म्यूज़िकॉलोजी में ही इन्होंने मास्टर्स करना था। उसके बाद जो इनका पहला जब ये मंजर आम पे आए तो जो नेस्कैफे बेसमेंट एक हमारा प्रोग्राम था उसमें इन्होंने एक गीत उन्होंने इसमें गाया था जो गालिबन शायद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का गीत था। बड़ा खूबसूरत गीत है, बहुत खूबसूरत। मुझे तो आप उसका जिक्र कर रही थी पहले भी मुझसे, इनसे थोड़ा सा सुनेंगे भी। जी बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि शुरू करते हैं आज की जो महफिल है और आप बताइए कि सबसे पहले ये क्या ये गाएंगे। जी बहुत ही खूबसूरत गीत है मियाँ साहब, जिसका उनवान है मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। शकील बदायूनी की इस गज़ल को मोहम्मद रफ़ी साहब ने फिल्म मेरे महबूब के लिए गाया था और इसकी मौसिकी बरे सगीर के मायनास कंपोज़र नौशाद अली ने तरतीब दी थी। नौशाद साहब की वैसे तो उन्होंने इतनी खूबसूरत मौसिकी तरतीब दी है कि क्या कहने। आई थिंक हमारे बरे सगीर के एक बहुत ही बड़े, बल्कि मैं कहूँगा कि शायद सबसे बड़े कंपोज़र वो थे, मुग़ल आज़म और बहुत सी फिल्में, मोहम्मद रफ़ी साहब। और मोहम्मद रफ़ी साहब, और मज़े की बात यह है कि मोहम्मद रफ़ी साहब का ताल्लुक भी यहाँ अंदरून शहर लाहौर से था और भाटी दरवाजे के रहने वाले। तो ये जो गीत है ये तो स्पेशली जब हम बड़े हो रहे थे, जवान थे, तो ये एक ऐसा गीत था कि ये इतना सुना और आज तक इसको सुन के भी इससे जी नहीं भरता। तो ज़ीशान बिस्मिल्लाह कीजिए। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिस आँखों का सहारा दे दे, रंगीन नजारा दे।
कसम। ताबीर मेरी जाने गजल, जिंदगी अब भी तुझे याद किए जाती है। रात दिन मुझको सताता है तसव्वुर तेरा, दिल की धड़ आवाज दिए जाती है। दिल को भूली हुई यादों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा नजारा दे दे
मियाँ साहब अगली गज़ल पे चलते हैं. ये गज़ल मेरी बहुत पर्सनल फेवरेट है और आई थिंक ये मेरे अगर मुझे याद हो तो शायद मैंने एक ड्रामा किया था मरासिम, उसका भी ये ओएसटी रह चुका है. और इसके शायर हैं अहमद फराज और ओरिजिनली इसको मैडम नूर जहाँ ने गाया जो कि उनकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ. और इसका उनवान कुछ यूँ है, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते. जी बहुत ही खूबसूरत आपने गाया. ये मैंने पहले पूरा नहीं सुना था. आप मेरे ख्याल तब पैदा नहीं हुई थी. नहीं लेकिन आई एम एन ओल्ड सोल, मैं सारी गज़लें सुनती हूँ लेकिन इतनी पूरी मैंने इस तरह से इसकी मौसिकी हो जाता है कई दफ़ा यू नो कि कुछ चीज़ ऐसी रह जाती है. लेकिन ये अपने ज़माने का बहुत ही मशहूर मकबूल और मशहूर गाना था. तो अगली गज़ल जो हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं उसके शायर हैं अहमद फराज और इसकी कॉम्पोजिशन बनाई है नज़र हुसैन साहब ने. ओरिजिनली इसको मैडम नूर जहाँ ने गाया और ये मैडम नूर जहाँ की आवाज़ में बेहद मकबूल हुआ. मेरा पर्सनल फेवरेट गज़ल है ये जिसका उनवान है सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते. अगली जो गज़ल है उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम ज़ीशान से भी कोई बात करें जी. और ज़ीशान कैसा लग रहा है आपको आज की महफिल, ये खूबसूरत एम्बियंस और मौसम भी, हालांकि मई का महीना है लेकिन फिर भी बड़ा मुनासिब मौसम है. तो कुछ अपने बारे में बताइए, अपनी जो आपकी प्रेफरेंसेस हैं, आप क्या पसंद करते हैं तो ज़रूर. सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पर. बहुत ज़्यादा ऑनर्ड और हम्बल फील कर रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पर मौजूद हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री से. कामरान भाई हैं, तनवीर साहब हैं और ख़ास तौर से मैडम सोनिया हुसैन साहिबा यहाँ पर हैं और आप यहाँ पर मौजूद हैं और मुझे मौका मिला यहाँ पर गज़ल गाने का. तो ये बड़ी ही एक ऑनरेबल मेरे लिए बात है. बड़े ही खूबसूरत ऐसा साथ हैं जिनको शायद मैं अल्फाज में बयान ना कर सकूँ. लेकिन इसमें थोड़ा सा मेरा ख्याल है काफ़ी हिस्सा सूफी स्कोर का भी है. बिल्कुल है, बेशक है, सूफी स्कोर का बिल्कुल इसके अंदर हिस्सा है. और यकीनन ये जब रिलीज़ होगा प्रोग्राम वहाँ पर सूफी स्कोर के प्लेटफॉर्म्स पे, तो ना सिर्फ हमारे यहाँ की जो ऑडियंस है बल्कि पूरी दुनिया की ऑडियंस और ख़ास तौर से बॉर्डर के उस तरफ की ऑडियंस को तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी. तो ये एक मेरे लिए बड़ी खूबसूरत फीलिंग है कि सूफी स्कोर ने इस पूरी महफिल में एक अपना हिस्सा डाला जिससे ये होगा कि मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच पाएगी और मुझे वहाँ से भी मोहब्बतें मिलेंगी और दुआएँ मिलेंगी. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग. थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये मौका फराहम किया. आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपकी वजह से हम ये महफिल सजा सके और आपने ये रंग भरे इस महफिल में. थैंक यू. आपका एक रिसेंटली सादगी सॉन्ग बहुत फेमस हुआ है और इवेंचुअली मुझे गाना बड़ा अच्छा था, मुझे सिंगर नहीं पता था उसका. फिर जब मैंने उसको देखा और वो यू नो देन यू रीपोस्टेड इट और फिर मैंने उसमें देखा और उस वहाँ से फिर मैं आपके नेस्केफे बेसमेंट के सॉन्ग पे गई तो मैंने कहा कितना कमाल सिंगर है ये, कि हमने कभी इनको क्यों नहीं मतलब उस तरह से स्टॉक किया. मतलब माशाल्लाह ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि माशाल्लाह आप यू आर वन ऑफ दोज सिंगर्स जिसकी आवाज़ बहुत, जिसमें बहुत मिठास है और बहुत मुनफरिद आवाज़ के मालिक हैं. थैंक यू सो मच. सादगी का आपने जिक्र किया तो ये उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की कॉम्पोजिशन है ओरिजिनली जी. और सबा अकबर आबादी इसके शायर हैं. तो मैंने जस्ट एक इसका कवर बनाया था लेकिन लोगों तक पहुंचा और उन्होंने बहुत पसंद किया. अपनी अगली गजल की तरफ चलते हैं. सिलसिले तो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते. वरना इतने तो मरासिम थे के आते जाते, सिलसिले तो गया.
आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते सिलसिले तोड़ गया। शब से तो कहीं बेहतर था शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते सिलसिले तोड़ गया। उसकी वो जाने उसे पासे वफा था के न था, उसकी वो जाने उसे पासे वफा था के न था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते सिलसिले तोड़ गया, वो सभी जाते जाते वरना इतने तो मरासिम थे के आते जाते सिलसिले तोड़ गया। इसके साथ ही हम अपनी तीसरी गज़ल की जानिब चलते हैं जिसका उन्वान है ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते। उस्ताद अमानत अली ख़ान की आवाज़ में ये गज़ल बेहद पसंद की गई और इसकी मौसिकी भी उन्होंने ही तरतीब दी और इसके शायर हैं हैदर अली आतिश साहब। तो सोनिया अगली जो गज़ल है उससे पहले मैं चाहूँगा कि कामरान अख्तर से हम बात करें जी। कामरान हमारे इस प्रोग्राम के इन्होंने सारी मौसीकी को इन्होंने उसकी म्यूज़िक अरेंजमेंट की और तमाम उसकी रिकॉर्डिंग की और बहुत ही हमारे मायनाज क्या कहते हैं म्यूज़िशन हैं। साहिर अली बगा के फर्स्ट कज़न है। अच्छा तो मुझे लगता है कि फिरसा जो है वो तो हमारे एक ही फैमिली में हर शो का हिस्सा होते हैं और अब कामरान भी हमारे शोज़ का हिस्सा बनते जा रहे हैं। तो कामरान मैं ये चाहूँगा कि हमारे जितने भी आज के जो म्यूजिशियंस हैं आप उनके बारे में ज़रूर हमें बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरे बड़े भाई हैं उस्ताद तनवीर हुसैन साहब सरोद और मैं बिल्कुल तनवीर को कौन नहीं जानता, और पियानो पर मेरे भाई हैं शहबाज अख्तर, सैक्सोफोन पर हैं शफाकत अली भाई और वायलिन पर हैं शहबाज अली और तबले पर हैं आसफ अली भाई और सरंगी पर जोहेब भाई और फ्लोट प्लेयर मोहसिन अब्बास और सितार पर शाहिद अली और तकी गिटार प्लेयर कर रहा है, मेरा भतीजा भी है। तो बहुत खूबसूरत एक इन्वायरमेंट थी हमारे एल्बम में, बहुत मज़ा आया एल्बम एंजॉय किया आपने इसको। आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया, बेशक आप लोगों के बग़ैर मौसिकी के बग़ैर आप लोगों के बग़ैर गज़ल नामुकम्मल होती है। इसके साथ ही हम अपनी अगली गज़ल पर चलते हैं।
चाक चाक किया हमेशा मैंने गिरे बाँ को चाक चाक किया तमाम रुफो गर रहे मेरी
जिनके लिए रहे वजू करके मरे थे जिनके लिए रहे वजू इसके साथ ही हम अपनी अगली गज़ल पर चलते हैं जिसका उनवान है गए दिनों का सुराख लेकर। ये नासिर काज़मी साहब की गज़ल है जिसको परवेज़ मेहदी साहब ने अपनी आवाज़ से चार चांद लगाए और इसके कंपोज़र हैं परवेज़ मेहदी साहब खुद ही। तो आइए सुनते हैं, आपकी आवाज़ में सुनते हैं। गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो अजीब मानो से अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया वो गए दिनों का सुराग लेकर छब दिखा कर वो एक मोती सी छब दिखा कर वो एक मीठी सी धुन सुना कर सितारा ए शाम बन गया बरंग खाबे सहर गया वो अजीब मानो से अजनबी मुझे तो हैरान कर गया वो गए दिनों का सुराग Thank you.
हिजर की रात का सितारा वो हिजर की रात का सितारा वो हम नफस हम सुखन हमारा सदा रहे उसका नाम प्यारा सुना है कल रात मर गया वो अजीब मानो से अजनबी मुझे तो हैरान कर गया वो गए दिनों का सुराग लेकर शिकस्ता पा राह में खड़ा हूँ शिकस्ता पा राह में खड़ा हूँ गए दिनों को बुला रहा हूँ जो काफिला मेरा हम सफर था मिसाल गर्दे सफर गया वो अजीब मानो से अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया वो गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो गए आज की हमारी अगली गज़ल है जिसका उनवान है यूँ ज़िंदगी की राह में टकरा गया कोई एक रोशनी अंधेरों में बिखरा गया कोई निसार बज़मी साहब की गज़ल है और मेहदी हसन की आवाज़ में ये अपने दौर की एक मशहूर गज़लों में से एक गज़ल थी और इसकी धुन भी ख़ुद मेहदी हसन साहब ने ही तरतीब दी थी बिल्कुल तो आइए सुनते हैं ज़िशान की आवाज़ में टकरा गया कोई यूँ जिंदगी की राह में टकरा गया कोई एक रोशनी अंधेरों में बिखरा गया कोई वो पहली मुलाकात क्या कहूँ कितनी अजब थी सूरत हालात क्या कहूँ वो कहर वो गजब वो जफा मुझको याद है वो उसकी बेरुखी यदा मुझको याद है मिटता नहीं है जहन पे यूं छा गया कोई यूं
पहले वो मुझको देख के बरहम सी हो गई, फिर अपने ही हसीन ख्यालों में खो गई। बेचारगी पे मेरी उसे रहम आ गया, शायद मेरे तड़पने का अंदाज भाग गया। सांसों से भी करीब मेरे आ गया कोई, राहों को छू लिया। एक पल में दिल पे कैसी कयामत गुजर गई, रग रग में उसके हुस्न की खुशबू बिखर गई। जुल्फों को मेरे शान पे लहरा गया कोई। जिंदगी की राह में एक रोशनी अंधेरों में बिखरा गया कोई। जिंदगी की राह। आइए चलते हैं हमारी अगली गजल की जानिब, जिसका उन्वान है तो क्या ये तय है तुझे उम्र भर नहीं मिलना, तो फिर ये उम्र ही क्या तुझसे गर नहीं मिलना। खुमार बारा बंकवी साहब की ये गज़ल है जी, और उस्ताद ग़ुलाम अली साहब की आवाज़ में गाई गई, और इसको इसकी मौसिकी भी ख़ुद उस्ताद ग़ुलाम अली साहब ने ही तरतीब दी। बहुत ही खूबसूरत गज़ल, बहुत ही खूबसूरत। आइए सुनते हैं। अगर
तो तुझसे गल नहीं मिलना तो क्या तुझे कौन चुप के से तन्हाइयों से कहता है ये कौन चुप के से तन्हाइयों से कहता है मेरे बगैर सुकून नहीं मिलना मेरे बगैर सुकून उम्र भर नहीं मिलना तो फिर ये उम्र ही क्या तुझसे गर नहीं मिलना तो क्या तुझे उम्र भर नहीं मिलना। बहुत ही खूबसूरत। आइए इस रंगों भरी शाम को आगे लेके चलते हैं अपनी एक और गजल के साथ जिसका उन्वान है दोस्त क्या खूब वफाओं का सिला देते हैं, दोस्त क्या खूब वफाओं का सिला देते हैं, हर नए मोड़ पर एक जख्म नया देते हैं। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने इस गज़ल को गाया और इसको तरतीब भी उन्होंने ही दिया और इसके शायर थे ताबिश दहलवी साहब। मुझे याद आ रहा है कि ख़ान साहब के साथ मेरी खैर बहुत कुर्बत थी उनके साथ और नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के साथ, तो इस घर में इस हवेली में ख़ान साहब का बहुत आना जाना था। जब भी लाहौर में होते थे तो चाहे रात के 2 बजे हों 2:30 बजे हों तो उनका फ़ोन आ जाना कि मैं आ रहा हूँ। और जब वो आते थे तो पता नहीं कहाँ कहाँ से यू नो हम बैठते थे, यू नो ख़ान साहब ने बैठ जाना कि ये मैंने जब इन्होंने ये गज़ल कंपोज की थी तो मुझे उन्होंने ये सुनाई थी ये गज़ल। तो जब उनका ही वॉज अ लिविंग यूनिवर्सिटी, वो जब आते थे तो वो बैठते थे तो एक महफिल सी बन जाती थी और देखते ही देखते थोड़ी ही देर में यू नो और आर्टिस्ट और यंग सिंगर्स हो जाते थे और उनकी एक बहुत
क्योंकि बहुत उनका बड़ापन था कि वो सबको सिखाते थे. कोई उनको ये नहीं था कि यू नो कोई मैं कोई बहुत बड़ा फनकार हूँ. ही वॉज वेरी हम्बल, वेरी वेरी हम्बल. एंड सो इज राहत. राहत ऑल्सो इज वेरी वेरी हम्बल. मैंने काफ़ी दफ़ा सुना है कि जब आप और राहत साहब बैठे होते हैं तो आपके ऊपर एक आमद आती है और आप उसी वक्त धुन बना लेते हैं. तो कभी नुसरत के साथ ये इत्तेफाक हुआ? नहीं, ये अजीब बात है कि उस ज़माने में मैं बिल्कुल भी कंपोज नहीं करता था और मुझे इतना क्या कहते हैं उस वक्त. ये तो एक आई डोंट नो बाद में खुद ही एक कोई ये एक जिंदगी में मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आई विल बी अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर या मैं म्यूज़िक कंपोज करूँगा. मुझे ये तो आफ्टर 50 मैं मुझे ये एक एहसास क्या हुआ कि बस ये एक हो गया. डिस्कवर होता गया, होता गया, होता गया. और अब इसी तरह यू नो अपना कितनी सारी चीज़ें बहुत सी मेरे ख्याल अब तो शायद 250 से ऊपर मेरी कॉम्पोजिशन होंगी जिसमें कवालियाँ भी हैं, नाक भी है और गीत भी हैं, सब कुछ है. तो खान साहब को जाहिरी बात है कि बहुत मैं तो बहुत मिस करता हूं उनको. और ये जो उनकी ये गज़ल है उनकी खूबसूरत तरीन गज़लों में से, तो सुनते हैं ज़ीशान से. क्या खूब वफाओं का सिला देते हैं दोस्त, क्या खूब वफाओं का सिला देते हैं. हर नए मोड़ पे एक जख्म नया देते हैं, हर नए जख्म नया देते हैं. दोस्त क्या खूब वफाओं का सिला देते हैं. कैसे मुमकिन है धुआं भी ना हो और दिल भी जले, कैसे मुमकिन है धुआं भी ना हो और दिल भी जले. चोट पड़ती है तो पत्थर भी सदा देते हैं, हर क्या खूब वफाओं का सिला देते हैं. तुमसे तो खैर घड़ी भर की मुलाकात रही, तुमसे तो खैर घड़ी भर की मुलाकात रही. लोग सदियों की रफाकत को भुला देते हैं, हर नए जख्म नया देते हैं. दोस्त क्या खूब वफाओं का सिला देते हैं.
दिल को भरोसा ताबिश जिन पे होता है बहुत दिल को भरोसा ताबिश वक्त पढ़ने पे वही लोग दगा देते हैं हर नए मोड़ पे एक जख्म नया देते हैं दोस्त क्या खूब वफाओं का सिला देते हैं तो सोनिया इससे पहले कि हम अपनी आज की महफिल को ख़त्म करें मैं यहाँ ज़रूर ये समझता हूँ ज़रूरी है कि मैं फरीदा जी के बारे में कुछ बात करूँ फरीदा खानम हमारे बरसग़ीर की मायनाज अपना फनकारा ख़ास तौर पे मलका गज़ल भी उनको का ख़िताब भी उनको दिया जाता है और मेरी नस्बत उनसे ये है कि मैं समझता हूँ कि मेरी जो अर्लीस्ट जो मेरी मेमोरी है जो मेरी याददाश्त है सबसे पुरानी है जब मैं सोचता हूँ कि उससे शायद पहले तो वो उन्हीं का ही एक प्रोग्राम था मेरे चचा की शादी थी इसी घर के अंदर ये जो पीछे हमारे दालान है छोटा इसमें मेहंदी थी और मेहंदी मैंने जो ज़माने में जो ख़वातीन का ही इवेंट होता था जो मर्द होते थे उनके शायद बाहर अलहदा इवेंट करते थे लेकिन जो घर की महफिल होती थी तो फरीदा जी मुझे याद है ये आसमानी रंग की उनको साड़ी पहनती थी आज तक अभी भी साड़ी पहनती वो मेमोरी अभी भी आप मेमोरी आसमानी रंग की उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी और बैठी हैं हाँ वो गा रही तो उनके साथ बहुत ही मेरा एक प्यार का रिश्ता है उसको मेरी शादी पे भी उन्होंने गाया मेरे चचा की शादी पे भी उन्होंने गाया और बाकी और भी फैमिली के जो कई दोस्तों के इवेंट्स में तो उनको तो भाई मेरा ख्याल है कि जितना मैंने फरीदा जी को सुना है शायद ही किसी और सिंगर बिल्कुल और वो शी स्पीक्स सो हाईली ऑफ यू जब हमने उनको ट्रिब्यूट भी पेश किया था और मुझे हाँ। लगता है कि बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि ऑल्दो मेरी उतनी कुर्बत नहीं है लेकिन उस प्रोग्राम का हिस्सा होना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है तो वो कितनी तारीफें कर रही थी वो आपकी और हालांकि वो उनकी आदत नहीं है कम गो है वो और अल्लाह उनको ज़िंदगी दे अभी अभी भी कभी कभी उनके यहाँ मुझे याद है कि एक दो दफ़ा मैं और अली सेठी हमने जाके वहाँ क्योंकि अली उनका शागिर्द भी है तो एक इवनिंग हमने रखी थी जहाँ अली ने उनकी ही चीज़ें जो हम ट्रिब्यूट जो हमने दिया था वही चीज़ें हमने वहाँ जाके प्रैक्टिस भी की वो शायद मेरे यूट्यूब के चैनल पर मौजूद भी हैं तो आज की महफिल इख्तिताम पे फरीदा खानम जी के साथ बिल्कुल और मुझे लगता है इससे ज़्यादा कोई खूबसूरत गज़ल और हो नहीं सकती इख्तिताम करने के लिए इस गज़ल के साथ मैं और मियां यूसुफ सलाहुद्दीन आपसे ज़रूर इजाज़त चाहेंगे इस उम्मीद के साथ कि अगले प्रोग्राम में फिर एक नई खूबसूरत महफिल लेके एक नए गुलूकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तब तक के लिए खुदा हाफिज़ जो हमसे रूठ गया अब उसका हाल सुनाएं क्या वो इश्क जो हमसे रूठ गया अब उसका हाल सुनाएं क्या कोई मेहर नहीं कोई कहर नहीं फिर सच्चा शेर सुनाएं क्या वो इश्क जो हमसे रूठ गया एक हिजर जो हमको लाहक है तादेर उसे दोहराएं क्या
एक हिजर जो हमको लाहक है, तादेर उसे दोहराए क्या, वो जहर जो दिल में उतार लिया, फिर उसके नाज उठाए क्या, वो जहर जो दिल में उतार लिया, फिर उसके नाज उठाए क्या, कोई मेहर नहीं कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाए क्या, वो इश्क जो हमसे रूठ गया। शेर सुनाए क्या, वो इश्क जो हम